नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और द टंडन परिवार में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग आ गए हैं उज्जैन में श्री महाकाल के दर्शन करने। बम बम बोले हर हर महादेव। अब मैं आपको मिलवाती हूँ भाभी से, मीता भाभी मेरी जिठानी है। और भैया आगे निकल गए, वो अरेंजमेंट देखने गए हैं। और 20 साल पहले भी भैया भाभी के थ्रू ही दर्शन हुए थे और इस बार भी। वेलकम टू महाकाल। ये अंदर इतनी सुंदर गैलरी बनाई हुई है, बहुत सुंदर कलरफुल। और ये आ गया त्रिवेणी म्यूजियम। काफी 20 साल में काफी फर्क आ गया है। ये देखिए इतना सुंदर शिवलिंग बनाया हुआ है घंटी से, बहुत सुंदर लग रहा है। महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं और गणपति जी का सबसे पहले आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये आ गई मेन एंट्रेंस महाकाल उज्जैन की, बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये आ गए हम मेन एंट्रेंस पर श्री महाकालेश्वर टेम्पल, और पूरा बहुत अच्छा बना हुआ है। और अभी लाइट जल जाएगी, अंधेरा होते ही लाइट जलेंगी तो और अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर बनाया है ये कॉरिडोर। ये पूरी लाइन चल रही है और अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर पूरी लाइन है, अच्छा है। यहाँ पे आकस्मिक चिकित्सा केंद्र भी है और ये डोर है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे डोर बने हुए हैं। ये देखिए अंदर के दर्शन, दर्शन बहुत अच्छे हो गए महाकाल के। और ये रहा उनका मेन टेंपल बाहर से, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होता। ये रहा, चोरी छिपे आप कुछ भी कर लीजिए, वो तो हर जगह अलाउड है, बट कैमरा अलाउड नहीं है। ये रहा, ये साक्षी गोपाल का टेंपल है। मींस कि आपने महाकाल के दर्शन कर लिए, उसके बाद इनके दर्शन करिए तो यहाँ अटेंडेंस लग गई। और ये सिद्धि विनायक टेंपल है उधर। और ये यहाँ पे पूरा कॉरिडोर, एक्चुअली ये एंड है, मगर मैंने वेट किया जिससे कि थोड़ी लाइट हो जाए, क्योंकि सन रेज की वजह से बहुत ग्लेयर था। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये है गजा सिंह संहार, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाए गए हैं। देखिए मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, और बहुत प्यारे पूरे रूप हैं यहाँ शिव जी के, बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूप। ये देखिए इधर से दिखाती हूँ, फिर यहाँ से, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर बना हुआ है। सबसे पहले जैसे ये कृपाल भैरव है, फिर उसके बाद असीताड़गंज भैरव है, चंद भैरव है, फिर श्री भीषण भैरव है, महाकाल भैरव है, ऐसे सब अलग अलग भैरव के रूप हैं। ये बटुक भैरव है, क्रोध भैरव है उसके बगल में, फिर उसके बाद संहार भैरव है। ये देखिए लाइट जल गई है और अब इतना सुंदर दिखने लगा है, मतलब बहुत प्यारा, मन खुश हो जाता है। और इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं कि आप खुश हो ही जाएंगे। और ये जो मूर्ति है, ये शिव जी अपनी जटा में गंगा माँ को ले रहे हैं, बहुत सुंदर बनाया है। ये शिप्रा नदी के तट पर है पूरा टेंपल। और ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है, लाइट सब जल गई हैं और बीच में ये एक टापू टाइप आ गया, शायद आगे इस पे भी कुछ काम वाम होगा। और इधर पिंक लाइट आ रही है, मतलब व्यू देखो आप, ऊपर पिंक नीचे पिंक, बहुत सुंदर आ रहा है। और इधर सब अभी ब्रिज बन रहा है और लाइट्स यहाँ पे चेंज हो रही हैं हर थोड़ी थोड़ी देर पे, ब्लू रेड, कुछ वाइट लाइट का भी आ रहा है इम्पैक्ट। और इधर पूरा कॉरिडोर है, लाइट्स ऑलमोस्ट सब जल गई हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये रहा
श्री महाकालेश्वर भक्त निवास, ये भारत माता मंदिर है, बहुत सुंदर। और ये यहाँ पर आ गया भारत माता का मंदिर, मैं दिखाती हूँ आपको, लिखा हुआ है भारत माता का मंदिर। और ये देखिए हनुमान जी के रूप, बहुत बढ़िया। और इधर ये वाइट शिवलिंग है, नॉट शिवलिंग सॉरी, शिव जी, ये बहुत सुंदर। ये मणिभद्र है, ये महाभारत काल में इनका उल्लेख किया गया है। ये कुबेर भगवान के उसमें सभा में थे, एक यक्ष थे ये भी, और बहुत अच्छी मूर्त बनाई है इनकी। और ये समुद्र मंथन दिखाया गया है, कैसे शिव भगवान ने जहर का प्याला पिया था, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। और पीछे की लाइव जो दिख रहा है ना, मतलब आसमान पिंक ब्लू, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन दो आदमियों की फोटो ले रही हूँ, बट नहीं, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये कैलाश पर्वत को उठाया रावण ने, ये यहाँ पर ये दिखाया गया है। और ये है शिव बारात, चलो आप सब भी मेरे साथ शिव की बारात में चलो। कोई ढोल बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, और बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए इसका जो विवरण है, जो फोटो आप मूर्ति देख रहे हैं, इसका जो विवरण है वो शिव पुराण में और पार्वती खंड में किया गया है। तो ये जब दूल्हा बन रहे थे तो इनका श्रृंगार चंद्रदेव से करा गया था। ये देखिए इनके मस्तिष्क पर, इनके माथे पर जो साइड में चंद्र है, मून लगता है, वो उनकी शादी के टाइम पर हुआ था। और ये मूरत है श्री काल भैरव की, बहुत सुंदर बनाई है, बहुत सुंदर। ये है शिव द्वारा यम का संहार, बहुत प्यारा गोल्डन कलर का ह्यूज बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास का ये व्यू देखिए, बहुत प्यारा, इतनी मूर्तियां हैं, बहुत सुंदर। और कार्विंग वाले पिलर्स हैं, बहुत प्यारा है, ये सब बहुत प्यारा है। मैं आपको पास से, थोड़ा दूर से, सब तरफ से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए सेंटर में जो आपको ये दिख रहा है पिलर सा, इसमें शिव जी के 5 रूप बताए गए हैं। और ये जो मुनिवर बैठे हैं, 7 मुनि हैं जिनको हम सब सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। और बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मतलब नो वर्ड्स। हमारे पुराणों में इतना कुछ लिखा है, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। आप ये पढ़िए, त्रिपुरा सुर के आतंक के केंद्र, तीनों पुरों को शिवजी ने एक साथ जलाकर भस्म किया था, और वे एक साथ भूमि पर आकर गिर पड़े। आप इनकी मूर्ति देखिए, मतलब ह्यूज मूर्ति है, ये देखिए, मतलब मुंह से बस वाव निकलता है। ये देखिए क्या आपके मुंह से पहला शब्द, आप ये बस लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, पहला शब्द इस बड़ी सी मूर्ति को देखकर और इस को देखकर क्या पहला शब्द आया, वो जरूर लिख दीजिएगा। और टंडन परिवार को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और यहाँ से ये पूरा कॉरिडोर देखिए उज्जैन को, और ये रहे शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय। और ये पूरा कॉरिडोर देखिए, पूरा, मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, लाइट जलती, इतना सुंदर दिख रहा है, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा है ये। और उधर गणपति की भी मूरत, बड़ी सी मूरत है ये। और ये अब हम एंड पर आ गए हैं अपनी इस उज्जैन यात्रा में। महाकाल के दर्शन करने के बाद आप बहुत अच्छा, खुद से अच्छा फील होने लगता है। और ये देखिए शिव जी शांत मूरत में, बहुत प्यारा, ठंडक दे रहे हैं, आंखों को भी ठंडक दे रहे हैं, इनको देखना ही
आंखों में ठंडक का महसूस हो रहा है।